वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री, ये कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इनके बारे में सारा डिटेल जानेंगे। और 2017 में ये किन किन लोगों को दिए गए उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और 2017 के अवार्डीज में जो भी ये पद्म अवार्ड्स दिए गए 2017 में, उसमें से कौन से लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं हमारे आगे आने वाले बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, उसमें भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1954 एक्सेप्ट फॉर द इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 1977 to 1980 and 1993 to 1997, these awards announced every year on the Republic Day. 1954 में भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, एक्सेप्ट फॉर द इंटरप्शंस। 1977 में इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी, 1977 से 80 तक इमरजेंसी लागू होने की वजह से हमारे देश में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए। और 93 से 97 तक कुछ डिस्टरबेंस के कारण ये अवार्ड नहीं दिए गए, बाकी 1954 से लगातार ये अवार्ड गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड्स तीन क्लासेस में, तीन कैटेगरीज में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्री कैटेगरीज ऑफ पद्म अवार्ड्स। पद्म विभूषण इज गिवेन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म विभूषण अवार्ड एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण इज गिवेन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। हु डिसाइड्स, कौन देता है पद्म अवार्ड्स को, आइए देखते हैं। द पद्म अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाई द पद्म अवार्ड्स कमेटी। पद्म अवार्ड्स कमेटी होती है, वो अपने रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति की मोहर के बाद, साइन के बाद ये अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाते हैं प्रधानमंत्री। इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं, और इसमें होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव केंद्र सरकार के होते हैं, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 इमिनेंट पर्सन्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। लेट्स डिस्कस अबाउट 2017 अवार्डीज। 2017 में ये अवार्ड किसको किसको दिए गए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनके ऑर्डर के बारे में। पद्म विभूषण इज हाईएस्ट, ये इनका जो ऑर्डर है ये इस क्रम में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। और पद्म भूषण के भी ऊपर यहाँ पर आता है भारत रत्न। भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री। पद्म विभूषण इस वर्ष 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्मश्री 75 लोगों को दिया गया। टोटल 89 पद्म अवार्ड्स दिए गए। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस वर्ष टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए, तो वो 89। और अगर पद्म विभूषण पूछे जाते हैं 7, पद्म भूषण 7, पद्मश्री 75। अगर ऑर्डर पूछा जाता है तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। लेट्स स्टार्ट विथ पद्म विभूषण। सबसे पहला नाम है श्री केजे यशुदास। केजे यशुदास केर स्टेट ऑफ केरला को बिलोंग करते हैं, और आर्ट और म्यूज़िक, बेसिकली ये सिंगर हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया। अब दोस्तों मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ। श्री केजे यशुदास वॉज इन न्यूज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर 2016 के महीने में ये न्यूज़ में थे, क्योंकि केरल की सरकार ने, केरल की सरकार ने मिस्टर श्री के जे यशुदास को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था केरल सरकार के हरिता केरलम प्रोजेक्ट का। और अब के जे यशुदास को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि हमारा LICAO आने वाला है मार्च या अप्रैल में, जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सिंडिकेट बैंक PO का हो या इंडियन बैंक PO का हो या फिर LICAO जो आने वाला है, इन एग्ज़ाम्स में अगर के जे यशुदास को पूछा जाता है कि के जे यशुदास को कौन सा अवार्ड मिला, 3 or 4 ऑप्शन होंगे, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, तो हमें पद्म विभूषण लगाना है। लेकिन अगर
क्वेश्चन लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इस तरीके से पूछ लिया जाए कि केजे यशुदास रिसेंटली केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये न्यूज़ डायरेक्टली हो जाएगी कहाँ की, अक्टूबर के मंथ की, अक्टूबर 2016 की। और अगर ये पूछा जाता है फरवरी और मार्च में, तो मोटा मोटा ये समझ में आता है कि मार्च के महीने में अक्टूबर की न्यूज़, यानी कि हमें 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना होता है। गलत। ये न्यूज़ अक्टूबर की मार्च में इसलिए पूछी गई क्योंकि ये जनवरी में न्यूज़ में थी, क्योंकि इनको पद्म अवार्ड मिला। दोस्तों, दिमाग लगा के जनरल अवेयरनेस की तैयारी की जाए तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 आराम से लाए जा सकते हैं। आपको 6 महीने का करंट अफेयर कभी भी नहीं पढ़ना होता, सिर्फ 3 महीने का पढ़ना होता है, और वो न्यूज़ पुरानी देखनी होती हैं जो उन 3 महीने में न्यूज़ में थी। आगे बढ़ते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव स्पिरिचुअलिज्म में है, इनको तमिलनाडु से हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला है। श्री शरद पवार, इन राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनकी NCP जो है महाराष्ट्र में इनकी पार्टी है और ये उसके मुखिया हैं। BCCI के भी हेड रह चुके हैं शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री मुरली मनोहर जोशी नेक्स्ट नाम है, मुरली मनोहर जोशी भी बहुत इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं राजनीति के क्षेत्र में। कानपुर, यूपी की कानपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, BJP के, जो कि रूलिंग पार्टी है अभी हमारे देश में, BJP के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नाम आ रहा है श्री UR राव, प्रोफेसर UR राव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेसर UR राव वॉज इन न्यूज़ इन द मंथ ऑफ नवम्बर 2016। क्यों थे न्यूज़ में? क्योंकि इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इनको हॉल ऑफ फेम में जगह दी थी, मिस्टर UR राव को। UR राव कौन है? फॉर्मर इसरो के चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इसरो के चेयरमैन हैं फॉर्मर, और इनको नवंबर 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने जगह दी थी IAF हॉल ऑफ फेम में। तो जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, UR राव को कौन सा अवार्ड मिला पद्म से रिलेटेड, या फिर UR राव हमारी किस संस्था के निदेशक थे, इसरो, DRDO, इस तरीके से, या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने किसको IAF हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। चार ऑप्शन हो सकते हैं, UR राव आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके बाद है लेट श्री सुंदरलाल पटवा, पोस्थोमस दिया गया मरणोपरांत, इनकी डेथ हो चुकी है। सेम गोज फॉर PA संगमा, पोस्थोमस, पब्लिक अफेयर्स, मेघालय से। इसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं, श्री विश्व मोहन दत्त आर्ट एंड म्यूजिक राजस्थान, श्री देवी प्रसाद द्विवेदी लिटरेचर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, श्री तेहम टोन उडवाड़िया मेडिसिन से, श्री रत्न सुंदर महाराज स्वामी निरंजन सरस्वती बिहार से, महाचक्री श्रीनरोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम फॉरेनर हैं, ये थाईलैंड की प्रिंसेस हैं, ये न्यूज़ में थी अक्टूबर के महीने में क्योंकि इनको वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड, पहला फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड मिला था महाचक्री श्रीनरोन का। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में ये भी जनरल अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट चो रामास्वामी जर्नलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर के मंथ में ये न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी 7 दिसंबर 2016 को इनकी डेथ हो गई थी, तो लेट चो रामास्वामी वॉज ऑल्सो इन न्यूज़। इसके बाद पद्मश्री, पद्मश्री बहुत सारे हैं, आपको सारे रिमेंबर नहीं कर रहे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आप लर्न कर सकते हैं सारे के सारे नाम। इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। भावना सोमाया जर्नलिज्म में है, पत्रकार हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती हैं, और ये जितने भी ये स्पोर्ट्स वाले हैं नीचे, श्री विराट कोहली 74th नंबर पर, 75 शेखर नायक, विकास गौड़ा, इन लोगों ने काफ़ी मेडल वगैरह जीते हैं, तो ये आप ज़रूर याद कर लें। वैसे ही यहाँ पर भी है, इतने आप स्पोर्ट्स वाले ज़रूर याद कर लें, पद्मश्री में कौन किस स्पोर्ट को बिलोंग करता है। सोशल वर्क श्री अनुरुद्धा कोयराला, फॉरेनर हैं ये भी। तो दोस्तों, अगर आपको पद्म सीरीज, पद्म अवार्ड से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।